नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। क्या उसका एग्जाम इसी कोरोना काल में होना संभव है क्या? क्योंकि भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री विनोद कुमार यादव जी ने कल के स्टेटमेंट में क्या कहा था, उस स्टेटमेंट का फोटो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग पढ़िए कि उनका स्टेटमेंट क्या था। एग्जाम इसी कोरोना काल में होगा या एग्जाम कोरोना के बाद होगा या एग्जाम 2021 में होगा या एग्जाम 2022 में होगा, उनका स्टेटमेंट में जो तर्क है आप लोग पढ़िए। आप लोग जानिए कि एग्जाम कब होगा, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को और ही स्ट्रांग कीजिए। जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको और अच्छे ढंग से कीजिए ताकि एग्जाम जल्दी हो, तो आप लोग पढ़ाई में थोड़ा और टाइम दीजिए। अगर एग्जाम थोड़ा लेट में होता है तब भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते जाइए, एग्जाम कभी भी होगा। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। जो आज के समय में गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता है तो उसका मूल कारण ये है कि सबसे पहले आप मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत नहीं किए रहेंगे तो फिर आप एग्जाम में चूक आप एग्जाम में मार खा जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं वो पहले अटेम्प्ट में बाजी मार ले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे दोस्तों, कल के न्यूज में जो भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री विनोद कुमार यादव जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था उसका कटिंग आपको वीडियो में दिख रहा होगा। उन्होंने कहा रेलवे में भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसके पहले एक स्टेटमेंट और आया था कि जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराती है एजेंसी, उस एजेंसी का उन्होंने टेंडर निकाला था, शायद उसका काम पूरा हो चुका है, इसीलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि परीक्षा केंद्र बनाने का काम शुरू हो चुका है। परीक्षा केंद्र बनाने का काम शुरू हो चुका है जहां पर विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं। उनका उद्देश्य ये है इस बार कि विद्यार्थी का सेंटर उसके आसपास जिले में हो, ना कि दूसरे राज्य में हो, दूसरे मंडल में हो। क्योंकि इस कोरोना महामारी में अगर आप किसी विद्यार्थी का सेंटर किसी दूसरे राज्य में पढ़ता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पूर्ण काम है, क्योंकि आज के इस समय में जो कोरोना महामारी फैली है इसके चलते आदमी कहीं बाहर नहीं जा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। इसी बीच अरे रेलवे अपना एग्जाम कराएगी तो इसमें सेंटर अगर दूर भेज देगी, ना भारतीय रेलवे ट्रेन चला रही है ना बस चला रही है, तो इसमें एक चुनौती पूर्ण काम है एग्जाम देना हर एक विद्यार्थी के लिए। तो मेरा भी मानना है कि भारतीय रेलवे को एग्जाम सेंटर नजदीकी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए या अपने ही राज्य में होना चाहिए, ये रेलवे को सोचना चाहिए स्टूडेंट के बारे में। तो इसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा उसका मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो अनलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या नहीं अच्छा लगा, और इस वीडियो को उस दोस्त को शेयर कीजिए जो आरआरबी की तैयारी कर रहा है पहले से, ताकि उसको भी पता चले चेयरमैन रेलवे के चेयरमैन के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है, एग्जाम कब होगा, इसके बारे में भी उसको जानकारी हो। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करें। धन्यवाद।